इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक। आरक्षण को लेकर भूपेश बघेल ने बड़ा दाव चला है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आबादी के हिसाब से आरक्षण की तैयारी की जा रही है, यानी छत्तीसगढ़ में 81% कोटा दे सकती है कांग्रेस सरकार आरक्षण को लेकर, और इसका मसौदा भी तैयार हो रहा है। तो आबादी के हिसाब से आरक्षण देगी भूपेश सरकार। इसके बाद सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 19 सीटें ही बचेंगी। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दाव चला है। तो आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 81% कोटा दे सकती है कांग्रेस सरकार आरक्षण को लेकर, और मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। तो आबादी के हिसाब से आरक्षण देगी भूपेश बघेल सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। भूपेश सरकार अब आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में 81% कोटा दे सकती है कांग्रेस सरकार आरक्षण को लेकर, और मसौदा भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड एसबी द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। एसबी द्विवेदी जी, जिस तरह से बात करें कि 2023 में विधानसभा चुनाव भी है, और ऐसे में आबादी के हिसाब से आरक्षण देना, इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है, किस तरह से देखते आने वाले समय में कितना इसका फायदा जनता को होगा, इसके अलावा क्या वाकई में 2023 में इससे भूपेश बघेल सरकार को फायदा मिलेगा? चाहूंगा मैं इस मसले में कि आरक्षण जो है वो संवैधानिक मसला होता है, जिसमें संविधान के हिसाब से तय किया जाता है कि आरक्षण किस वर्ग को कितना मिलना है। ये राजनीतिक मसौदे के लिए यदि ऐसा तैयार किया जा रहा है कि संख्या के हिसाब से विधानसभा की सीटों का आरक्षण यदि ये तय करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले संविधान पे जाके संवैधानिक रूप से इसकी अनुमति लेनी आवश्यक होती है। पार्टीगत यदि चीजों को देखा जाए, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, ये क्या है, क्षेत्र विशेष के कारण जो आरक्षण जो पहले से जो तय किए गए हैं सीटों के बंटवारे को लेके, किस वर्ग के लिए कौन सी सीटें कहाँ से आरक्षित रहेंगी, तो उसी आधार पे ही ये यहाँ पे टिकटों का वितरण होना तय माना जाता है। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे प्रमुखता जो छत्तीसगढ़ में है संख्या के हिसाब से, तो यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे साहू समाज की बाहुल्यता मानी जाती है, यहाँ पे सतनामी समाज की बाहुलता मानी जाती है। इन चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ठाकुर वो जो वर्ग है ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ जाते हैं यदि आरक्षण की बात करें तो आरक्षण यदि संविधान के हिसाब से दिया जाना चाहिए, तो संविधान के तहत यदि अल्पसंख्यक है तो इनको तो मेरे ख्याल से इनकी सीटें बढ़ा दी जानी चाहिए इनको मोबिलाइजेशन के तौर पे। जी एसबी द्विवेदी जी, अगर बात करें हम, तुमने ये भी देखा है कि पहले बीजेपी सरकार ने आरक्षण बढ़ाया, उसके बाद हम देखते हैं आरक्षण कम हो गया, उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार आई तो आरक्षण का एक मुद्दा जो है वो छत्तीसगढ़ में इस वक्त बड़ा मुद्दा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने ये भी तय किया है कि जो है आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या वाकई में ये संविधान के हिसाब से मुमकिन है? नहीं, संविधान के हिसाब से देखा जाए तो संविधान में आमूलचूल परिवर्तन की मतलब जो संभावना है इस तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी का गठन होता है, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया जाता है, ये तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है तब संविधान में कुछ परिवर्तन संभव होता है। लेकिन इस तरीके से देखा जाए कि सिर्फ घोषणा के आधार पर यदि हम टिकट वितरण की बात करें या आरक्षण की बात करें तो ये मुझे किसी भी एंगल से ऐसा संभव नहीं लगता। ये हो सकता है चुनावी स्टंट हो जिसके तहत लोगों को लुभाने के लिए, एक समाज वर्ग को, एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसका हो सकता है कि एक आम जन पे असर पड़े और उसी असर के तहत एक परिवर्तन की लहर भी संभावित मानी जाती है। जी एसबी द्विवेदी जी, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां अब आबादी के हिसाब से आरक्षण देगी भूपेश सरकार। तो इसके बाद सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 19% सीटें ही बचेंगी। तो
सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। अब आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का मसौदा तैयार किया जा रहा है।